नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो अगस्त मास 2018 का कर्क राशि का राशिफल एक माह का विस्तार से बताने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी कोई भी ऑडियो वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपकी कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजगुरु शर्मा। तो मेरे दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो कर्क राशि का अगस्त मास का एक माह का राशिफल विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसे विस्तार से सुनिए कि आपका अगस्त मास का राशिफल कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले, कार्य व्यवहार में प्रगति तथा आय में वृद्धि होगी। विलासिता के साधनों पर व्यय अधिक रहेगा। किसी नई योजना का विकास होगा जिससे आपको लाभ होगा। कृषि व भूमि तथा बौद्धिक व जनसंपर्क कार्यों में उन्नति होगी। विवाहित जीवन में मतभेदों की अधिकता ज़्यादा रहेगी। नेत्र विकार द्वारा जबर द्वारा कष्ट हो सकता है। वाहन खरीदने का योग बन रहा है। संतान के भाग्य में उन्नति होगी। चल संपत्ति में विस्तार तथा बचत योजनाओं में धन निवेश होगा। किसी कार्य में विलंब पड़ने के कारण मन चिंतित रहेगा। व्यवहार के शालीनता की वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शेयर बाजार द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। इस मास कहीं यात्रा का योग भी बन रहा है। कहीं से आपको अकस्मात अचानक धन का भी लाभ हो सकता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा वाणी पर संयम बना कर रखें, क्योंकि आपकी किसी से अनबन हो सकती है या किसी से आपकी मुंह बकवाद भी हो सकती है। वाहन थोड़ा धीरे से चलाएं, क्योंकि चोट फैट भी लगने का आशंका बन रही है, और राजनीतिक लोगों को कुछ नए बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनने का योग बन रहा है। इस मास की 27 और 17 तारीख आपके लिए अशुभ रहेगी। तो कर्क राशि वालों, आप इन तारीखों में 17 और 27 अगस्त में थोड़ा सचेत रहे, वाणी पर संयम बना कर रखें, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और आपकी कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं जाते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी करता हूँ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।